अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपने 127 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। हमने स्टीरियो केमिकल रिलेशन देख लिया था लड़के और लड़की के बीच में, अगर होल्डिंग हैंड और लड़का ही लड़की के बीच क्यों, यदि आप दोस्त भी हैं तो अगर आप होल्डिंग हैंड अगर पकड़ के चलते हैं साथ साथ तो रिलेशन सदैव एनांसियोमर हो, एनांसियोमर रिलेशन मेंटेन करोगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है बेटा। अब ये दोस्त के ऊपर है, मान लीजिए दो लड़के हैं, दो लड़के हैं वो आपस में शेक हैंड करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, तो उन मिलाने वाले हाथों के बीच क्या रिलेशन होगा, उन मिलाने वाले हाथों के बीच क्या रिलेशन होगा ये बताइए। तो ये अभी छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन कुछ और आएगा जो हमने अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल और करवा लेते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन पेंडिंग में डाल दिया हमने, अभी पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनांसियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एनांसियोमर्स, एनांसियोमर्स के गुण। तो लिखो, दो जो एनांसियोमर है, कितने भी एनांसियोमर है वो क्या रखेंगे, एनांसियोमर्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सज एज डेंसिटी, एनांसियोमर्स की फिजिकल एनांसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे घनत्व डेंसिटी, जैसे घनत्व कोमा मेल्टिंग पॉइंट कोमा बॉइलिंग पॉइंट कोमा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ईटीसी, समान होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब एनांसियोमर जो होते हैं उनके भौतिक गुण जैसे कि घनत्व क्वथनांक और क्या क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक उसके बाद अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है अकायरल मीडियम में ये अंडरलाइन कर लीजिए, अकायरल मीडियम में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी समान होते हैं। ठीक, लेकिन मीडियम अकायरल हो, अगर अकायरल मीडियम ना होगा तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी तो समान होते ही हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जब समान होंगे जब मीडियम अकायरल होगा। ठीक है, मतलब अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कायरल मीडियम में केमिकल प्रॉपर्टीज इनके केमिकल प्रॉपर्टीज समान नहीं होते, केमिकल प्रॉपर्टीज समान नहीं होते। ठीक है, समान नहीं होते हैं। हो गया, आगे देखो, लिखेंगे दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये प्रकाशिक सक्रिय होती हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव अर्थात ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्रकाशिक सक्रिय, हम कह सकते हैं ये पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट
को आइदर साइड रोटेट कर देते हैं, आइदर साइड का मतलब बेटा दोनों ओर, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ओर रोटेट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। जो क्लॉकवाइज, जो एनसीओमर क्लॉकवाइज लिख लेंगे अपने आप, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस फॉर्म, प्लस या डी स्मॉल डी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस फॉर्म या डी फॉर्म। जो राइट साइड को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड भी बोल सकते थे, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं पीपीएल को, वो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी। क्या? लीवो रोटेटरी या इसे कहते हैं माइनस फॉर्म या स्मॉल एल फॉर्म, ठीक हो गया। लिखेंगे एनांसियोमर का 50% और 50% मिक्सचर सदैव क्या कहलाता है? रेसेमिक मिक्सचर। मतलब 50% ऑफ बोथ एनांसियोमर्स कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। दो एनांसियोमर हैं और दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? 50-50% है। इसका मतलब वो सदैव रेसेमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेसेमिक मिक्सचर। मतलब क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक अहम बात, सबसे अच्छी बात यह है कि जो एनांसियोमर हैं वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। ये अगला प्रॉपर्टी है इसका, लिख लो, एनांसियोमर्स मे बी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। एनांसियोमर फिजियोलॉजिकली क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। एनांसियोमर्स में बी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। एनांसियोमर्स सारी रूप से अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लस निकोटीन इज मोर पॉइजनस देन माइनस निकोटीन। प्लस निकोटीन इज मोर पॉइजनस देन माइनस निकोटीन। अब इसका मतलब तो समझ गए होगे बेटा। प्लस का मतलब दोनों एनांसियोमर है, प्लस और माइनस एनांसियोमर हो गए। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा पीपीएल को, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन फिजियोलॉजिकल अलग अलग है। ये मोर पॉइजनस और ये लेस पॉइजनस, ठीक। क्या है? मोर पॉइजनस और लेस पॉइजनस। ऐसे हिस्टिडीन हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा, प्लस हिस्टिडीन इज स्वीट प्लस हिस्टिडीन इज स्वीट इन टेस्ट, जबकि माइनस हिस्टिडीन इज टेस्टलेस। कैसी होती है? टेस्टलेस। ये तो मीठी होती है हिस्टिडीन, और ये स्वादहीन होती है, ठीक है। ऐसा ही
एग्जाम्पल थर्ड प्लस लाइमोनिन प्लस लाइमोनिन शोज ऑरेंज कलर। देखो कलर भी अलग अलग आ गया ऑरेंज कलर। वाइल अगर हम माइनस लिमोलिन की बात करें सोल ऑरेंज ऑर्डर गंध की बात चल रही है संतरे जैसा गंध आएगी, लेकिन बात करें माइनस लाइमो नीन की तो ये क्या करती है सोल लेमन ऑर्डर ये नींबू जैसी गंध दर्शाती है और ये संतरे जैसी गंध दर्शाती। ठीक ये तो हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल ये क्या है अलग अलग हो सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर को बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइस्टियोमर। तो एनांसियोमर हमने देख लिया ठीक, अब देख लेते हैं डाइस्टियोमर्स। डाइस्टियोमर्स क्या होते हैं, होमवर्क पढ़ लिया एनांसियोमर पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं डाइस्टियोमर। तीन ही रिलेशन थे तीनों रिलेशन हम पढ़ लेंगे। हेडिंग डाल दीजिए डाया स्टीरियोमर्स। डाया स्टीरियोमर्स हेट्रोमर्स का दूसरा बेटा है ठीक। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, होमवर्स देख लिया होमवर्स तो कोई क्लास ही नहीं था, हेट्रोमर्स देख लिया। हेट्रोमर्स में दो प्रकार थे एनांसियोमर और डाइस्टीरियोमर। तो एनांसियोमर हमने पढ़ लिया, पढ़े डाइस्टीरियोमर ठीक है।